हेलो फ्रेंड्स, नवरात्रि स्पेशल वीक में मेरे चैनल दिशा नेगी फूड रेसिपीज़ में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिना प्याज लहसुन और टमाटर से बनने वाली मज़ेदार लटपटे छोलों की रेसिपी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले ले लें 2 कप छोले और इनको रात भर भीगने दें या फिर कम से कम 6 से 7 घंटे तक भिगो लें। अब पानी से निकालकर छोलों को कुकर में ट्रांसफ़र कर लें कुछ इस तरह से। साथ में डालें पानी। पानी की क्वांटिटी इतनी रखें जितने में छोले अच्छे से डूब जाएं। और इसमें डालें 1/2 टेबल स्पून नमक और साथ में डाल दें ये पोटली। ये जो पोटली है इसमें कुछ साबुत गरम मसाले और चाय की पत्ती है ताकि छोलों में अच्छा सा कलर और टेस्ट आए। तो मसलिन या कॉटन के एक कपड़े में 1 टेबल स्पून डालें चाय पत्ती, साथ में डालें काली मिर्च, लौंग, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता और 2 हरी इलायची। अब इन्हें अच्छे से बांधकर कुकर में डालें, मिक्स करें और कुकर का ढक्कन लगाकर 6 से 7 सीटी आने तक छोलों को पका लें। जब तक छोले पक रहे हैं तब तक हम छोलों के लिए एक मसाले का घोल बनाकर तैयार करते हैं। तो 1 कटोरी में डालें 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, डालें स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टेबल स्पून डालें गरम मसाला और 1 टेबल स्पून भरकर डालें अमचूर पाउडर और अब इसमें पानी डालकर इसका एक घोल बना लें। छोलों को चेक करते हैं। छोले पक गए हैं। पोटली को निकालकर साइड पर रख देंगे। देखिए छोले हमारे बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं। तो चलिए बिना प्याज लहसुन और टमाटर वाले लटपटे छोले बनाते हैं। छोले बनाने के लिए करीब 5 से 6 बड़े चम्मच सरसों का तेल गरम कर दें। तेल अच्छे से गरम हो जाए तो डालें 1/2 टेबल स्पून जीरा और 1/2 टेबल स्पून अजवाइन। अब डाल दें कसा हुआ अदरक और साथ में बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इन दोनों को तेल में करीब 30 सेकंड तक पका लें और अब डालें इसमें मसाले का घोल। अच्छे से मिक्स करें और इसमें डाल दें कसूरी मेथी। मसाले के घोल को तेल में तब तक पकाएं जब तक कि मसाले तेल ना छोड़ने लगे। मसालों ने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें डालें उबले हुए छोले। इन्हें अच्छे से मिक्स करें और करीब 10 मिनट तक ढक कर लो फ्लेम पर पकने दें। 10 मिनट हो गए हैं, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए एकदम गाढ़े गाढ़े लटपटे छोले बनकर तैयार हैं। आप चाहें इस स्टेज में थोड़ा गर्म पानी ऐड करके 3 से 4 मिनट के लिए छोलों को और पका सकते हैं, बट मैं इन्हें पूड़ी के साथ सर्व करूंगी तो ये एकदम परफेक्ट हैं गाढ़े गाढ़े। तो अगर आपको नवरात्रि स्पेशल बिना प्याज लहसुन के ये छोले की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।